साथ ही वो विश्लेषण भी करेंगे, लेकिन दिया कुमारी इस वक्त क्या कह रही हैं बजट पेश करने के बाद, सुन लेते हैं वो भी। अभी सबके तो हो नहीं पाएगा ना, नहीं वो तो नहीं हो पाएगा। तो देखिए डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री दिया कुमारी आपसे थोड़ी देर में हालांकि प्रेस से मुखातिब होंगी, और आज काफी घंटे तक विजेंद्र बोले भी हैं और कई घोषणाएं भी बड़ी बड़ी घोषणाएं की गई हैं। दो घंटे दीपिका, दो घंटे पचास मिनट बोली है, और अमूमन कहते हैं भाई दिया तले अंधेरा, लेकिन आज ऐसा लगा दिया तले सवेरा है, एक नया सवेरा जो राजस्थान को आगे लेकर जाएगा। बिल्कुल, सोच समझ के सभी को हमने एक साथ सम्मिलित करके सभी के लिए कुछ ना कुछ दिया है, चाहे युवाओं की बात करें, महिलाओं की बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, हेल्थ की बात करें, स्पोर्ट्स की बात करें, टूरिज्म की बात करें, किसानों की बात करें, हर व्यक्ति को हम लोगों ने इस बार हर वर्ग को देखकर इस बजट को बनाया है। और मुझे तो लगता है कि इस बार जितना इंफ्रास्ट्रक्चर कैपिटल एक्सपेंडिचर भी हम लोगों ने डेढ़ गुना बढ़ाया है, क्योंकि एक विकसित राजस्थान बनाने के लिए 2047 में विकसित राजस्थान का जो सपना है, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है पूरे भारत को एक विकसित भारत बनाने का 2047 तक, और यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारी पूरी टीम भी चाहती है, हम सब चाहते हैं, और मुझे लगता है राजस्थान चाहता है एक विकसित राजस्थान बने 2047 तक। उसका फाउंडेशन रखने के लिए, उसकी नींव रखने के लिए जो अभी से हम लोग तैयारी करेंगे प्लानिंग के साथ, वो सब चीज़ें मुझे लगता है इस बजट में है। काशी और अयोध्या के तर्ज पर जो आप होंगे खाटू में कॉरिडोर बनाने की बात कही है, उसका क्या प्लान है, डेडलाइन क्या तैयार किया है, कैसे ये होगा बजट? बिल्कुल, जैसा कि काशी में कॉरिडोर बनाया है अयोध्या में है, वैसे ही खाटू श्याम जी में एक कॉरिडोर बनाना है जिसकी घोषणा मैंने आज की है। तो वहाँ पर भी जैसे बहुत सारे हमारे श्रद्धालु आते हैं दर्शन के लिए, तो वहाँ क्या हम लोग सुविधा दे सकते हैं और क्या अच्छी व्यवस्था दे सकते हैं, पूरी तरीके से उस पर फोकस करके वहाँ का एक पूरा प्लान बनाया जाएगा। आज मैंने घोषणा की है, इसका पूरा DPR बनेगा और इसको आगे इम्प्लीमेंट किया जाएगा। एक राज्य एक चुनाव, एक राज्य एक चुनाव, उसको किस तरीके से देखेंगे, क्योंकि ये पहली बार ऐसा हो रहा है। देखिए, मुझे लगता हम सब समझते हैं कि ये अच्छी चीज़ है, ये सब जानते हैं कि बार बार इलेक्शन होना, कोड ऑफ कंडक्ट आना, काम रुक जाना, छोटे छोटे काम रुक जाते हैं, चाहे प्रशासनिक छोटे छोटे काम होते हैं वो रुक जाते हैं, बड़े कामों की तो मैं बात ही नहीं करती। तो अगर पूरे स्टेट में एक ही इलेक्शन होगा एट वन टाइम, मुझे लगता है उसका बेनिफिट सबको होगा। ट्रेजरी का इतना पैसा, पब्लिक मनी वेस्ट होता है, पूरी तरह से स्टेट मशीनरी लग जाती है उस एक इलेक्शन में, सब नेता लग जाते हैं उस इलेक्शन में। मुझे लगता है ज़रूरी है कि अगर एक इलेक्शन होगा, हम सब सोचते हैं, मुझे लगता है सब आपको भी ऐसा लगता होगा कि ये एक अच्छा डिसीजन है और इस पे आगे कार्रवाई। गहलोत सरकार ने चुनाव से पहले आचार संहिता लगने से पहले खूब रेवड़ियां बांटी गई थी, किस तरीके से सरकार को साइड बढ़ाया? बिल्कुल, उसका भार तो हम लोगों ने जैसी हम लोग हमारी सरकार बनी उसी समय जो लेखा अनुदान पेश किया गया था, उस समय भी मैंने कहा था कि इन्होंने जो भार छोड़ा है वो इतना बड़ा भार है कि वो आसानी से हम लोग नहीं झेल सकते। लेकिन क्योंकि यहाँ अब डबल इंजन की सरकार है राजस्थान में, पूरा प्रयास रहेगा कि जो भी कमियाँ हैं उन कमियों को पूरा करें, और कहीं भी किसी भी संसाधन की कमी, किसी भी फंड की कमी नहीं है। देखिए, जो ये जो बजट है, मैंने जैसा कहा कि एक ये हम लोगों ने सबके लिए कुछ ना कुछ दिया, वोट्स लेने के लिए ये बजट नहीं बनाया गया, कोई रेवड़ियां नहीं बांटी इस बजट में, और ऐसा हमारी सरकार ना तो केंद्र में करती है और ना राज्य में करने वाली है। मैं तो मानती हूँ कि जनता इस चीज को समझती है, मानती है, और सबके लिए इसमें कुछ ना कुछ। मैम, राहुल गांधी ने राम को लेकर के बहुत सारी चीजें कही थी, अयोध्या को लेकर, लेकिन कर्नाटक इलेक्शन, कर्नाटक में सरकार उनकी है, रामनगर का नाम चेंज करके बेंगलोर दक्षिण कर दिया। ये तो उनकी सोच दिखती है इसमें कि वो तो सनातन विरोधी ही है उनका तो पूरा गठबंधन, उसके बारे में तो मैं क्या कहूंगी। अभी हम लोग बजट की बात करें, सोशल पर बहुत फोकस किया आपने, सामाजिक कल्याण की तरफ, और यूं कहे कि उन जातियों को लेकर, चाहे DSP का इलाका हो, चाहे पिछड़ा हुआ बैठ, बहुत अच्छा एक बढ़ा हुआ बजट वहाँ दे रहा है। नहीं, बिल्कुल, वहाँ आवश्यकता भी है क्योंकि वो क्षेत्र पूरी तरह से पिछड़ा हुआ क्षेत्र है,
वहाँ के लोगों को भी आगे लाना, मेन स्ट्रीम में जोड़ना, उनके युवाओं को भी अवसर प्रदान करना, वहाँ के एजुकेशन स्तर को बेटर करना, अच्छा करना, विकास के काम वहाँ पर करने, उस पर पूरी तरह से ध्यान दिया गया। मेडिकल हेल्थ में भी एक बड़ा दिया आपने, 9% का भी बजट कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल, हेल्थ बहुत महत्वपूर्ण एक क्षेत्र है, मुझे लगता है हेल्थ पे तो हम लोग सब, क्योंकि सबको अफेक्ट करता है, और उस पर पूरी तरह से उसमें कोई कमी नहीं आएगी। वहाँ भी हम लोग जहाँ भी आवश्यकता होगी, चाहे PHCs की, CHCs की, डॉक्टर्स की, चाहे कहीं भी कोई भी व्यवस्था को अच्छा बनाने की बात आएगी, हम लोग करेंगे। आज आपने पत्रकारों के लिए बहुत अच्छा काम किया है, उनको गवर्नमेंट की जो स्कीम है उसमें जोड़ रहे हैं। तो एक आपके पास PWD डिपार्टमेंट है, उसमें पत्रकार जो न्यूज बनाने के लिए बाहर जाते हैं, उनका ट्रोल जो सरकार के ट्रोल है उनको माफ नहीं किया जाता, उस पर अगर आप उसको माफ करा सके, उसके लिए देखा जाएगा। आप बिल्कुल मुझे प्रस्ताव दीजिए, फिर देखिए। सरकार दावा करती है कि जब भी बजट पास होता है कि इतना परसेंट, अभी तक जितनी भी सरकार होती है सिर्फ खाली दावा करती है कि इतने परसेंट हमने जो भी घोषणा की है, जो बजट में लाए, वो सारे हम पूर्ण करते हैं। 50% से ज्यादा इम्प्लीमेंट हम कर चुके हैं हमारे लेखा अनुदान वाले बजट को, आप देखिएगा। मैंने बोला भी कागजों में नहीं बोल नहीं सकते ना, अगर कागजों में ही होता तो मैं आपको, मैंने बजट में भी बोला है, बजट में भी बोला है। उनके बोलने से कुछ नहीं होता है, उन्होंने 5 साल बिल्कुल ही खोखला कर दिया राजस्थान को हर प्रकार से, उनको कुछ भी बोलने का कोई अधिकार नहीं। तो देखिए, डिप्टी सीएम दिया कुमारी को आप सुन रहे थे, हालांकि सवालों का जवाब वो दे रही थी, लेकिन जवाब ज्यादातर उन्होंने सदन के भीतर भी दे दिया है। और यहाँ पर सबसे ज्यादा जो फोकस किया जा रहा है वो विकसित भारत का जो लक्ष्य प्रधानमंत्री की तरफ से रखा गया है, 2047 का लक्ष्य प्रदेश सरकार भी विजन लेकर चल रही है, और उसका जिक्र लगातार दिया कुमारी जैसे जैसे बजट वो पेश कर रही थी वैसे वैसे इस बात का जिक्र भी उन्होंने किया भी था। और देखिये, जो बजट पेश किया गया ना, अमूमन हम बहुत लंबे टाइम से पॉलिटिक्स को भी देख रहे हैं और बजट को भी देख रहे हैं, ऐसा बजट इलेक्शन में जाने से पहले दिया जाता है, चुनाव जीतकर आने के बाद नहीं दिया जाता। अच्छा, मुख्यमंत्री ने इस बात का जिक्र भी किया जब से मुखातिब हुए थे, क्योंकि जितना विस्तृत बजट है और जितनी एग्जीक्यूशन की बात की गई, अमूमन वो लोक लुभावन कही जाती है जब वो इलेक्शन के टाइम में आती है, लेकिन इस वक्त उसको ग्राउंडेड कहेंगे क्योंकि वक्त है उनको पूरा करने के लिए।